जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के वार करने पर विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज करवाया, जहां बीजेडी, एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी ने केंद्र का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस, सपा समेत कई दलों ने आज के दिन को काला दिन करार देकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला। तो आज राज्यसभा में कैसे फूटा विपक्ष का गुस्सा, इस रिपोर्ट में देखिए। आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को चौंकाते हुए जम्मू कश्मीर से जुड़े चार बिल पेश कर दिए, जिसमें अनुच्छेद 370 खत्म करना भी शामिल था, जिसके विरोध में संसद के उच्च सदन में विपक्ष के सुर बुलंद होते चले गए। केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक हफ्ते से राज्य में डर का माहौल है और अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, गृह मंत्री के सदन में आते ही जिसका डर था वही हुआ, हमारी आशंकाएं सही साबित हुई, आजाद ने इस कानून को इतिहास का काला दिन करार दिया। वहीं कपिल सिब्बल ने बिना बताए बिल लाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जब आप बगैर बताए बिल लेकर आएंगे तो क्या अच्छी चर्चा होगी, सरकार चर्चा चाहती नहीं है क्योंकि उसके पास नंबर है। सिब्बल ने कहा कि आपने बिना सलाह किए बिना सहमति बनाए ये बिल लाया है, क्या वहाँ के नेताओं से चर्चा की, विपक्षी राजनीतिक दलों से चर्चा की? सिब्बल ने कहा कि सरकार जोर तोड़ कर तो इसे पास करा लेगी, लेकिन ये ऐतिहासिक है या नहीं ये तो इतिहास बताएगा। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर को जीता था, लेकिन सरकार ने आज गंवा दिया। कांग्रेस के अलावा सपा ने भी केंद्र के इस बिल का विरोध किया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि 370 हटानी थी तो हटा देते, लेकिन राज्य का दर्जा क्यों खत्म कर दिया, क्या ये जरूरी था, हमारी पार्टी 370 हटाने का विरोध करती है। रामगोपाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपने उपराज्यपाल से परेशान होकर रो रही है, फिर भी वो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के जरिए आप जम्मू कश्मीर को बदल रहे हैं, जो ठीक नहीं है, संविधान की मर्यादा को ताक पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल इस बात का ध्यान रखें कि कल ये उनके साथ भी हो सकता है और उनके राज्यों को भी बांटा जा सकता है, ये संविधान के साथ एक भद्दा मजाक है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि वहाँ विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू है, ये फैसला विधानसभा की सहमति के बाद लिया जाना चाहिए था। शिवा ने कहा कि कई कारणों से कश्मीर के लोगों को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी विपक्ष को बिल के बारे में जानकारी दिए बिना सदन में बिल पेश किया गया, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया, लेकिन उनका ये विरोध काम नहीं आया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।